हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने लास्ट ट्यूटोरियल में सीखा कि किस तरह से हम एक स्ट्रिंग इनिशियलाइज करके प्रिंट कर सकते हैं। अब अपने इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरह से हम यूजर से एक स्ट्रिंग एंटर कराएंगे और उस स्ट्रिंग को स्क्रीन पर प्रिंट कैसे कर सकते हैं। यूजर से स्ट्रिंग एंटर करने के लिए हम सिंपली एक करेक्टर टाइप का एरे लेंगे, नेम, और उसकी लेंथ इनिशियलाइज कर देंगे, यानी कि हमने यहाँ उसकी लेंथ दे दी और उस इनिशियलाइजेशन जो जैसे हमने पिछली बार दिया था जूलिया ब्राउन, वो वहां से हटा देंगे और सिंपल सिर्फ एरे का लेंथ देंगे। एरे जो है वो करेक्टर टाइप का लेंगे। फिर हमने एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखा, एंटर योर स्ट्रिंग। स्क्रीन को प्रिंट करवाने के लिए हमने परसेंटाइल एस का यूज किया है, स्कैन एफ रीड करने के लिए स्कैन एफ परसेंटाइल एस, नेम, नेम जो कि एरे है करेक्टर टाइप का, वो हमने एज अ स्ट्रिंग में पास कर दिया है। अब नेम जो है करेक्टर टाइप का एरे है, उसको हमने परसेंटाइल एस में उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है प्रिंट एफ। इस स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए, हेलो दिस इज योर गिवन स्ट्रिंग, हमने यहाँ पर स्ट्रिंग प्रिंट करवाई है परसेंटेज एस में, कॉमा नेम। ये था अगर हम एक स्ट्रिंग यूजर से एंटर करना चाहते हैं तो हम परसेंटेज एस को फॉर्मेट स्पेसिफाई लेंगे और स्ट्रिंग को प्रिंट करवा लेंगे। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। एंटर योर स्ट्रिंग, आप एक स्ट्रिंग एंटर करेंगे, लाइक मैं यहां पर एंटर कर देती हूं नेहा स्पेस अरोड़ा और मैं एंटर प्रेस करती हूं, हेलो दिस इज योर गिवन स्ट्रिंग। यहां पर इसने सिर्फ नेहा को लिया है, इसने अरोड़ा प्रिंट नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ है, अब हम ये देखते हैं। जब भी हम स्कैनएफ को यूज करते हैं स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए, तो स्कैनएफ जो है वो स्पेस को रीड नहीं करता, वो स्पेस को एज अ टर्मिनेटर लेता है और स्पेस के पास जो भी होता है वो उसे इग्नोर कर देता है, यानी कि वो स्पेस से पहले पहले वाला स्ट्रिंग ही रीड करता है। अगर आप चाहते हैं कि वो स्पेस को इंक्लूड करें, यानी कि आप कंप्लीट स्ट्रिंग को रीड करना चाहते हैं, तो हम एक और फंक्शन का यूज करते हैं गेटएस का, और स्क्रीन पर प्रिंट कराने के लिए हम पुटएस फंक्शन का यूज करते हैं। उसके लिए हम देखेंगे यहां पर हम ऐड कर देते हैं गेटस और यहां पर दे देते हैं नेम। और इसके बाद हम पुटेस फंक्शन ऐड कर देते हैं। जो भी स्ट्रिंग आप देंगे वो आप डबल कोट्स में देंगे। और पुटेस के बाद, गेटेस के बाद आप टर्मिनेटर साइन यानी कि सेमीकॉलन का यूज करेंगे। पुटेस नेम जो हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं वो, देन सेमीकॉलन। अब हम इसे सेव कर लेते हैं। अब हम फिर से इसे रन एंड कंपाइल करते हैं तो आप देखेंगे फिर से हमसे स्ट्रिंग मांगेगा नेहा स्पेस अरोड़ा। अब हम एंटर की प्रेस करते हैं, आप देख रहे हैं कि यहां पर ये इस तरह से दे रहा है अरोड़ा और यहां पर हेलो और फिर अरोड़ा। ये सही तरह से नहीं चल रहा है क्योंकि गेटस और स्कैनएफ एक साथ काम नहीं कर सकते, तो हम एक एक करके इनका देखते हैं रनिंग करके। एक बार हम इसे एज अ कमेंट दे देते हैं गेटेस को, फिर हम स्कैनएफ को एज अ कमेंट यूज कर लेंगे। अब हम कंपाइल करते हैं, यहां पे दे देते हैं देख रहे हैं आप यहां पर, हेलो दिस इज योर गिवन नेम नेहा। स्कैनएफ के थ्रू हमने किया, पुटेस में हेलो है और नेम जो है वो नेहा ही आ रहा है। अब हम यहाँ पर स्कैनएफ को एज अ कमेंट दे देते हैं और गेटस फंक्शन का यूज करते हैं। अब हम इसे कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है।
एंटर की प्रेस की, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसने कंप्लीट नेम यहाँ पे हमें शो किया, जो हमने यूजर ने एंटर किया है वही नेम यहाँ पे हमें शो कर रहा है। देन हेलो पुटर्स के थ्रू हमने हेलो प्रिंट कराया वो शो रहा है, और लास्ट में जो नेम हमने एंटर किया था नेहा अरोड़ा वो कम्प्लीटली ये इसने हमें स्क्रीन पर शो कर दिया है। तो इससे अगर हम चाहते हैं कि हम स्पेस को भी रीड करना चाहते हैं तो वहां पर हम स्कैनएफ का यूज ना करके गेटएस और पुटर्स फंक्शन का यूज करेंगे। तो इस तरह से हमें कंप्लीट स्ट्रिंग विद स्पेस करेक्टर्स और सिंपल जो भी करेक्टर्स आप डालना चाहते हैं वो आप उसके थ्रू गेटस और पुटस के थ्रू स्क्रीन स्ट्रिंग को रीड कर सकते हैं और स्क्रीन पर राइट कर सकते हैं। ये था हमारे स्ट्रिंग्स के बारे में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय।